नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हूं आपके बीच शाम की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से, जहां लाखों का कर्जा लेने के बाद भी रेस्टोरेंट मालिकों को रोटी के लाले पड़े हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के नादौन के रेस्टोरेंट मालिक लाखों रुपया कर्जा लेने के बाद भी रोटी को तरस रहे हैं। नादौन के थाई मोड़ पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे बने श्री कृष्ण रेस्टोरेंट के मालिक महेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 2 लाख का लोन लेने के बाद स्वरोजगार को अपनाया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सभी कामकाज ठप पड़े हैं। कोई भी कारोबार न होने की वजह से हमारी स्थिति यह बनी हुई है कि रेस्टोरेंट में रखे गए कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे भी हमारे पास नहीं हैं और ना ही बिजली और पानी के बिल देने की स्थिति में हम रेस्टोरेंट मालिक हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से हम यह मांग करते हैं कि यह जो हमने लोन ले रखे हैं इसमें किस्त अदायगी के लिए हमारी सहायता की जाए तथा लोन की ब्याज दरों में भी कटौती करने के साथ साथ हमारे बिजली पानी के जो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी माफ़ किया जाए। देखें नादौन से पंकज राणा की रिपोर्ट। मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के सरदर्जी नादौन में, जो कि जिसका एक गांव थाई मोड़, जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे पे है, जिसमें बना हुआ एक बहुत ही आलीशान खाली है, कुर्सियाँ व टेबल यहाँ लगे हुए हैं, कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम आपको मिलाएंगे इस रेस्टोरेंट के मालिक से, उनसे हम जानेंगे वर्तमान स्थिति में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट के अंदर की स्थिति, पूरे कुर्सियाँ और टेबल आप दोपहर के समय में बिल्कुल खाली खड़े हुए हैं, जबकि अभी लंच का समय चल रहा है। इसमें तो काफ़ी मारोमारी रेस्टोरेंटों में अक्सर रहा करती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये जो कामकाज बिल्कुल ही कारोबारियों के ठप हुए हैं, उसके चलते हम रेस्टोरेंट मालिक से अभी आपको मिलाएंगे, उनसे अभी बात करेंगे इस स्थिति में वो क्या महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम जी? महेंद्र सिंह। ये है रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णा रेस्टोरेंट के मालिक महेंद्र सिंह। अभी हम इनसे जानेंगे कि कोरोना महामारी के चलते जो रेस्टोरेंटों के कामकाज बिल्कुल ही ठप पड़े हैं, उस स्थिति में उनको कैसा महसूस कर रहे हैं। महेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से, हम ये सरकार को एक ये देना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक, कोई स्नैक्स वगैरह कोई लंच करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या आपने इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, कब से आपने ये रेस्टोरेंट चला रखा है? ये रेस्टोरेंट मैंने तकरीबन 4 साल से इस रेस्टोरेंट को खोल रखा है मैंने। क्या इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, स्वरोजगार अपनाने के लिए आपने इसके लिए कर्जा या लोन वगैरह ले रखा है? नेचुरल सी बात है कि लोन तो हमें लेना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलता है, इसलिए लोन लेकर के हमने रेस्टोरेंट बनाया था और चला रहे थे। महेंद्र जी, कितना लोन आपने इस रेस्टोरेंट को बनाने या चलाने में ले रखा है? 20 लाख। तो अब वर्तमान स्थिति में कोई भी ग्राहक हमें देखने को नजर नहीं आ रहा है, कोरोना महामारी के चलते सभी होटल रेस्टोरेंटों के काम बिल्कुल ठप पड़े हैं, ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं आजकल कोरोना की वजह से। तो जब से कोरोना चला हुआ है तब से हमारा काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और हमारे को
पैसे देने के लिए वर्कर्स को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, वो भी अपना काम छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने कर्जा भी ले रखा है, कर्जा लेके स्वरोजगार को आपने अपनाया था, बावजूद उसके कोरोना के चलते आपके कामकार बिल्कुल ठप हो गए हैं। इस स्थिति में आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? हम यही अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हमारा जो भी हमने लोन ले रखे हैं उसका हमारा जो इंटरेस्ट बनता है उसे प्लीज़ माफ़ करिए, और ताकि हम आगे स्टेब्लिश हो सकें और बिजली का बिल, जो भी पानी का बिल, बिजली का बिल हमारा आता है, सरकार से यही हम दरख्वास्त करेंगे कि उसको माफ़ किया जाए और कर्जे का जो लोन का जो इंटरेस्ट बनता है उसे पे किया जाए। धन्यवाद। ये थे महेंद्र सिंह जी जो श्री कृष्णा रेस्टोरेंट के मालिक थे। अभी इन्होंने फास्ट न्यूज़ इंडिया को ये बताया कि उन्होंने 20 लाख रुपए के लगभग कर्जा ले रखा है, जिसको अब कोरोना महामारी के चलते कामकाज ठप है। आप देख सकते हैं कोई भी ग्राहक यहाँ बैठा हुआ नहीं है। तो इन्होंने सरकार से यही मांग की है कि सरकार इनका जो कर्जा ले रखा है, इन्होंने ले रखा है, उसकी ब्याज दर कम करे और हो सके तो उनकी किस्तें कुछ माफ़ कर दी जाए। बिजली पानी के जो बिल इनको काफ़ी ज़्यादा जो बिल इनको भारी पड़ रहे हैं, आए आज तक काम ना चलने की वजह से, उसको भी माफ़ किया जाए। धन्यवाद। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां दो दिवसीय लॉकडाउन का हो रहा है पूर्ण पालन। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास आसपुर में लॉकडाउन का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया दो दिवसीय लॉकडाउन, जो कि कोरोना की महामारी से बचने के लिए एक उपाय है, जिसका पालन आसपुर में सरकारी दफ्तर बंद करके व बाजार पूर्ण रूप से बंद करके किया गया। देखें जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। कि पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रही कोरोना की महामारी, जिससे बचने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन, जो कि पूरे 7 दिनों में 2 दिन के लिए लगाया जाता है, शनिवार और इतवार, वहां हम आपको दिखाएंगे कि जिला बदायूं के ब्लॉक आशकपुर में किस तरह लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं खंड विकास अधिकारी, जो कि यहाँ पर बैठते हैं, सरकारी दफ्तर हैं यहाँ पर जो कि सारे बंद हैं, और यहाँ पर कुछ मार्केट है वह भी बंद है। हम यहाँ पर, अब मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मार्केट यहाँ की दिखाने की कोशिश करें, सारी मार्केट यहाँ पर बंद है। अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया, उससे बचने का बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि यहाँ की सारी मार्केट दिखाएं, जहाँ की दुकानें भी बंद हैं, सरकारी दफ्तर भी बंद हैं, आगे चौकी है जहाँ की पुलिसकर्मी लोग आने जाने वालों से पूछ कर उनकी बातों को जान रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं लोग, क्यों, क्या उनका आने का मकसद है, क्या फालतू तो कोई नहीं घूम रहा, जिसके लिए वो तहकीकात कर रहे हैं, सवारी चल रही है, उनसे पूछ रहे हैं लोग। मास्क वगैरह भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ खंड विकास अधिकारी जो बैठते थे, वो इनका ऑफिस है, जो कि आज बंद है, 2 दिन बंद रहेगा, शनिवार और इतवार। तो यहाँ पर हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आई हुई है, रिपोर्टर नीलांश राठौर के साथ कैमरामैन अमित संघ। अगली खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां साप्ताहिक बंदी में सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है। यूपी के औरैया जिले के सदर कोतवाली अजीतमल थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी के दरमियान सैनिटाइजर का काम भलीभांति जारी है, तथा इसके साथ में पुलिस प्रशासन बल चौराहे पर तैनात होकर बिना मास्क के जो लोग निकल रहे हैं उनको सख्त निर्देश और चालान काट रहे हैं। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से राजेश कुमार मिश्रा तथा अन्य कांस्टेबल उपस्थित दिखे। देखें अजीत मल से अखिलेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। Thank you.
द्वारा इसको किया जा रहा है। ये हमारे कैमरामैन दिखाते हैं आपको, देखिए गाड़ी से गाड़ी के द्वारा इसको किया जा रहा है और लॉ बाग का लोग बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। मैं अखिलेश कुमार पांडे फास्ट न्यूज इंडिया से अहिदवा सदर है है यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां नोडल अधिकारी ने सोनभद्र का लिया है जायजा। जी हां, ये बड़ी खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र जिले के पुलिस नोडल अधिकारी ब्रिजभूषण, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा गोष्ठी में अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जनपद में घटित तमाम घटनाओं संग दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण आदि विषयों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया तथा वर्तमान समय में नोवेल कोरोना वायरस 19 के संक्रमण से बचने हेतु गोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारीगणों द्वारा मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया गया एवं आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया गया। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सहित अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय ऑपरेशन, समस्त क्षेत्राधिकारी, जनपद के समस्त अभियोजन अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके उपरांत एडीजी द्वारा पुलिस लाइन बैरक का जायजा लेते हुए पुलिस लाइन मुख्य गेट पर स्थापित कोविड-19 केयर हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण कर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही साथ एडीजी पुलिस लाइन से प्रस्थान करके थाना रावर्सगंज का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना रावर्सगंज परिसर का जायजा लेते हुए बैरक थाना कार्यालय तथा थाना पर स्थापित कोविड-19 के हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक रावर्सगंज को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखें सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के बलिया जिले से है, जहां बलिया जिले पर मैगजीन वितरण का कार्य किया गया है। यूपी के बलिया जिले में फास्ट न्यूज इंडिया के ब्यूरो चीफ बिमलेश कुमार के प्रथम आगमन पर महिला थाना कोतवाली में फास्ट न्यूज इंडिया के मैगजीन वितरण कर अधिकारियों से मुलाकात की। देखें बलिया से बिमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं आज उपस्थित हूँ यूपी बलिया के महिला थाना कोतवाली, जहाँ की आज के मिलवाते हैं, जिसके हमारे ब्यूरो चीफ हैं जो कि बनारस से होकर के आए हुए हैं, और मैम से मिलवाते हैं, जानने कोरोना वायरस के बारे में जाने क्या संभावित बलिया की व्यवस्था है, अभी तक कितनी संख्या बढ़ी है आज बताएंगे वो। एक सवाल, चूँकि सरकार से बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का किसानों को हमेशा बात कर रही है, लेकिन उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा है, इसका कारण कि आप चूँ कहाँ से कि घटने का नाम नहीं है, इसको किस तरह दिया जाए, सर्विस किस तरह दिया जाए, इसको बताएं आप। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने की, बताया जा रहा है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, लेकिन जब आदमी नहीं समझ रहा है तो हम उसमें क्या किया जाए। तो उसके लिए कोई ठोस कदम आपके द्वारा कुछ हो या अपने से संदेश हो जनपदवासियों के लिए भी सुधर करें, क्या संदेश सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग घर में रहें, बाहर ना निकले, हमारे जिले में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे घर में रहें और जब कहीं बाहर जाना हो तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने और सतर्कता बरतते हुए। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। नमस्कार।